हे गाइस, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो फाइनली आज हम लोग सुपीरियर स्पाइडरमैन को खत्म करने वाले हैं, जिसके बाद कल से मैं शुरुआत करूंगा स्पाइडर वर्स के पहले पार्ट से। और जो लोग जानना चाहते हैं कि मैं ब्लैकेस्ट नाइट को कब कवर करूंगा, तो स्पाइडर वर्स के खत्म होने के बाद हम लोग ब्लैकेस्ट नाइट की शुरुआत करेंगे। तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और बिना टाइम वेस्ट किए चलिए सुपीरियर स्पाइडरमैन को खत्म करते हैं। सुपीरियर स्पाइडरमैन के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ऑक्टेवियस को इस बात का पता भी नहीं चलता कि ग्रीन गॉब्लिन उसके स्पाइडर बॉट्स को हैक करके पूरे के पूरे न्यूयॉर्क पर अटैक कर देता है, जिसके बाद वो गॉब्लिन को ट्रैक करके उसकी टनल्स में पहुंचता है। और वहां पहुंचने के बाद ग्रीन गॉब्लिन उसे बताता है कि वो इस बात को जानता है कि स्पाइडरमैन दरअसल में ऑटो ऑक्टेवियस है, लेकिन इसी के साथ साथ वो उसे एक ऑफर भी देता है। वो उससे कहता है कि अगर ऑक्टेवियस चाहता तो वो ग्रीन गॉब्लिन के साथ मिलकर उसका राइट हैंड बन सकता था, लेकिन ये सुनने के बाद ऑक्टेवियस उसके ऑफर को ठुकरा देता है। और इसी के साथ ग्रीन गॉब्लिन उसके स्पाइडर आइलैंड पे अटैक कर देता है। वो ऑक्टेवियस के चाहने वाले एक एक शख्स को किडनैप कर लेता है और उन्हें जान से मारने की धमकी देता है। लेकिन तब उसके सामने एक छोटा बच्चा आता है, जिसे गॉब्लिन ने ट्रेन की पटरियों से बांध रखा था। लेकिन ये देखने के बाद ऑक्टेवियस उसे बचाने से हिचकिचाने लगता है, लेकिन तभी अचानक पीटर की कॉन्शियसनेस वहां पर आकर उससे कहती है जंप, और ऑटो ऑक्टेवियस उस बच्चे को बचा लेता है। लेकिन ये देखने के बाद पीटर उससे कहता है कि ऑटो ऑक्टेवियस स्पाइडरमैन बनने के लायक नहीं था, और इसी वजह से पीटर पार्कर अब राउंड टू के लिए तैयार था। अब आगे हमारी कहानी की शुरुआत न्यूयॉर्क शहर से होती है, जहां पर ऑटो ऑक्टेवियस उस बच्चे को बचाने के बाद वहीं पर मौजूद पुलिस को दे देता है और वहां से निकल जाता है। वो अपने साथी मौजूद पीटर से कहता है कि स्पाइडर पावर्स मिलने के बाद वो काफी ज्यादा घमंडी हो गया था, और इतना ही नहीं, उसने कई सारे लोगों को काफी ज्यादा नुकसान भी पहुंचाया था, और उसके ओवर कॉन्फिडेंस और घमंड की वजह से ही आज ये पूरा का पूरा शहर खतरे में था। वो पीटर से कहता है कि पीटर पार्कर बिल्कुल भी उसकी तरह नहीं था, क्योंकि वो हमेशा ही इस बात को जानता था कि क्या सही है और क्या गलत। लेकिन इन सब चीजों की पीटर ने हमेशा ही अपनी लाइफ में एक बड़ी कीमत चुकाई थी, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पीटर पार्कर इस पूरी दुनिया को ये चीज प्रूव करेगा कि वो उन सबसे सुपीरियर है। और ये कहने के बाद वो उसे पार्कर इंडस्ट्रीज के सामने ले आता है। पार्कर इंडस्ट्रीज को देखने के बाद पीटर उससे पूछता है कि ये सब कब हुआ, लेकिन ऑटो ऑक्टेवियस उससे कहता है कि उसके पास ये सब कुछ समझाने का वक्त नहीं है। वो अपनी लैब में जाकर एक बार फिर से उस न्यूरोलिटिक स्कैनर को पहन लेता है, जिसे देखने के बाद पीटर उससे कहता है कि अगर ऑक्टेवियस एक बार फिर से उसे किसी ट्रैप में फंसा रहा है तो इस बार वो ऐसा नहीं होने देगा। लेकिन ऑक्टेवियस उससे कहता है कि पीटर को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे पीटर पार्कर पर पूरा भरोसा था। और ये कहने के बाद वो एक बार फिर से पीटर के साथ अपने दिमाग में पहुंच जाता है। वो एक एक करके पीटर को अपनी लाइफ की सारी मेमोरीज दिखाना शुरू कर देता है, और ऑक्टेवियस के साथ मिलकर पीटर भी उन मेमोरीज को जीने लगता है। पीटर उसे कहता है कि ऑक्टेवियस ने अपने बचपन से लेकर आखिरी तक काफी ज्यादा दर्द और सफरिंग को महसूस किया था, लेकिन ऑक्टेवियस उसे जवाब देता है कि जो कुछ भी उसकी लाइफ में हुआ वो उसे डिजर्व करता था। लेकिन अब इस बात का वक्त आ चुका था कि ये सब कुछ पीटर अपने दिमाग से निकाल दे। और ये कहने के बाद वो अपनी मेमोरीज को धीरे धीरे करके पीटर के दिमाग से इरेज करने लगता है। वो पीटर से कहता है कि अगर उसे एक स्पाइडरमैन बनना है तो उसे ऑक्टेवियस को पूरी तरह से अपने दिमाग से हटाना होगा, और इसी वजह से जो कुछ भी ऑक्टेवियस ने सुपीरियर स्पाइडरमैन बनकर किया था उसमें से कुछ भी पीटर को याद नहीं रहेगा। और ये कहने के बाद वो लुकमारिया और ऑक्टेवियस की मेमोरी को देखते हैं, जिसे देखकर पीटर को ये रियलाइज होता है कि ऑक्टेवियस उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन ऑक्टेवियस उसकी मेमोरीज को भी इरेज कर देता है, ये कहकर कि अगर इस दुनिया में कोई मारिया मार्कोनी को बचा सकता था तो वो सिर्फ और सिर्फ पीटर पार्कर था। और ऐसा सिर्फ इसीलिए था क्योंकि पीटर असली सुपीरियर स्पाइडरमैन था। और ये कहने के बाद ऑक्टेवियस अपनी कॉन्शियसनेस और अपनी मेमोरीज के साथ पीटर के दिमाग से गायब हो जाता है। और ये सब कुछ हो जाने के बाद पीटर उस न्यूरोलिटिक स्कैनर को निकालता है, वहां से उठता है, कबर्ड को खोलता है और अपनी रेड एंड ब्लू कॉस्ट्यूम को निकालकर उसे पहन लेता है और कहता है अब मेरी बारी। वो अपनी लैब से बाहर निकलता है और देखता है कि उसकी आंखों के सामने उसकी दोस्त डॉक्टर जाफरी खड़ी थी, जिसे देखकर स्पाइडरमैन उससे कहता है कि जो कुछ भी उसने पहले किया वो उसके लिए माफी मांगता है। लेकिन वो उससे कहती है कि इस पूरे के पूरे शहर को स्पाइडरमैन की जरूरत थी, और वो वहां पर कॉस्ट्यूम चेंज कर रहा था।
लेकिन तभी अचानक पीटर की नजर वहीं पर मौजूद कार्ली पे पड़ती है और वो दौड़कर उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि कार्ली कैसी है। लेकिन कार्ली को अभी भी यही चीज लगती थी कि उस बॉडी के अंदर ऑटो ऑक्टेवियस मौजूद था और इसी वजह से वो उससे सही तरीके से बात नहीं करती। और इसी चीज को समझकर पीटर उसे अपनी लैब में ले जाता है और उसे बताता है कि वो अपने शरीर में लौट आया था। पीटर की बात सुनकर कार्ली उसकी बात नहीं मानती, लेकिन तब वो उसे बताता है कि जब वो डॉक्टर ऑक्टेवियस की बॉडी में था तब उसने कार्ली को एक बार समझाने की कोशिश करी थी, लेकिन कार्ली ने उसे पलटकर शूट कर दिया था। और ये सुनने के बाद कार्ली समझ जाती है कि वो असली पीटर पार्कर था। और इसी के साथ वो पीटर के गले लग जाती है और उसे बताने लगती है कि इस शहर में आखिरकार क्या हो रहा था। ऑक्टेवियस की सारी मेमोरीज के इरेज होने की वजह से पीटर को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि सुपीरियर स्पाइडरमैन ने क्या क्या कारनामे करे थे। और पीटर की लाइफ ऑलमोस्ट बर्बाद हो चुकी थी। वो उसे बताती है कि किस तरह ग्रीन गोब्लिन ने ऑक्टेवियस के स्पाइडर बॉट्स को हैक कर लिया था और इसी वजह से आज वो पूरे के पूरे शहर पर अटैक कर रहा था। लेकिन ये सुनने के बाद पीटर उसे कहता है कि उसे वहां से जाना होगा। वो अपनी लैब से बाहर निकलता है और शहर की हालत देखकर काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आता कि ऑक्टेवियस ने आखिरकार ये सब कुछ कैसे होने दिया। वो सबसे पहले अपनी आंट मे को कॉल करता है और उनसे पूछता है कि वो कैसी हैं, जिसके जवाब में आंट मे उसे कहती हैं कि वो बिल्कुल ठीक हैं और पीटर को अपना ध्यान रखना चाहिए। लेकिन पीटर उनसे कहता है कि आंट मे को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद उसे एक बार फिर से अपने जैसा लगने लगा था। इधर एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी में स्पाइडरमैन 2099 जैसे तैसे उन सारे के सारे रोबोट से लड़ रहा था, लेकिन उन्हीं में से एक रोबोट उस पर अटैक करने ही वाला था कि तभी अचानक स्पाइडरमैन वहां पर आ पहुंचता है। वो उस रोबोट को ठिकाने लगाता है और मिगवेल से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मिगवेल ओहारा एक ही झटके में उसका गला पकड़ लेता है। वो उससे कहता है कि आखिरकार स्पाइडरमैन उसे बीच फाइट में कैसे छोड़कर जा सकता था। लेकिन पीटर उसे समझाता है कि आखिरकार उसके साथ क्या हुआ था और वो सब कुछ करने वाला दरअसल में पीटर नहीं बल्कि ऑटो ऑक्टेवियस था। जिसे सुनकर मिगवेल ओहारा थोड़ा कंफ्यूज जरूर होता है, लेकिन वो पीटर की बात मान लेता है। और वहां से थोड़ी ही दूर एवेंजर्स मिलकर ग्रीन गोब्लिन के उन रोबोट्स का सामना कर रहे थे कि तभी अचानक गोब्लिन नाइट वहां पर आकर अपनी स्क्रीम से उन पर अटैक करने लगता है। वो सारे के सारे एवेंजर्स जैसे तैसे करके उसका मुकाबला करते हैं, लेकिन तभी अचानक स्पाइडरमैन वहां पर आकर उसके मुंह पर एक जबरदस्त किक मारता है। स्पाइडरमैन को देखते ही गोब्लिन नाइट वहां से भाग निकलता है, लेकिन जाते जाते वो स्पाइडरमैन से कहता है कि ये बात याद रखना कि गोब्लिन किंग ने उसके लिए कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रखा है। और ये कहने के बाद वो वहां से भाग निकलता है। स्पाइडरमैन को देखकर कैप्टन अमेरिका उससे पूछता है कि आखिरकार वो वहां पर क्या कर रहा था, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले उसने एवेंजर्स की टीम को क्विट कर दिया था। लेकिन पीटर को इस बारे में पता ही नहीं था और वो कैप्टन अमेरिका से कहता है कि पिछले कुछ दिनों में पीटर ने जो कुछ भी किया हो वो उसके लिए माफी चाहता है। और ये कहने के बाद वो मिगवेल ओहारा को लेकर गोब्लिन नाइट का पीछा करने लगता है, लेकिन थोड़ी ही दूर पहुंचने के बाद मैनस उन पर अटैक कर देती है और अपने ग्लाइडर का यूज करके वो स्पाइडरमैन 2099 को वहीं पर मौजूद एक बिल्डिंग में घुसा देती है। इस अटैक की वजह से मिगवेल ओहारा काफी बुरी तरह से घायल हो चुका था और अब वो उठकर मैनस का सामना नहीं कर सकता था। और यही देखकर मैनस उसके ऊपर बैठती है और उसका गला दबाने लगती है, लेकिन तभी अचानक स्पाइडरमैन उसके पीछे से आकर उसके गले में गोब्लिन एंटीडोट इंजेक्ट कर देता है और धीरे धीरे करके मैनस भी अपने नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में आने लगती है। लेकिन ये सब कुछ देखकर पीटर समझ जाता है कि अब उसे इस चीज को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। और इसी के साथ वो उस बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाता है जहां पर ग्रीन गोब्लिन उसका इंतजार कर रहा था। ग्रीन गोब्लिन ने उस बिल्डिंग में कई सारे बॉम्ब्स को फिट कर दिया था और उसी बिल्डिंग पर उसने मारिया को भी कैद किया हुआ था, जो उन बॉम्ब्स के साथ कुछ ही देर में ब्लास्ट होने वाली थी। स्पाइडरमैन को देखकर गोब्लिन उससे कहता है, और हमारी मूवी का हीरो ठीक क्लाइमैक्स के समय यहाँ पर आ चुका है, लेकिन एक मिनट, ये तो हमारी मूवी का हीरो है ही नहीं, क्योंकि ये तो हमारी मूवी का विलन है। मैंने ठीक कहा ना ऑटो? क्यों ये सब कुछ करके तुम अपना मजाक बनवा रहे हो? सही बात तो ये है कि तुम्हें हमेशा ही एक विलन बनना सूट करता है, और चाहे तुम जितनी भी कोशिश कर लो, आज तुम अपने प्यार को नहीं बचा सकते ऑक्टेवियस। लेकिन ये सब कुछ सुनकर पीटर उससे कहता है, अपनी डिग्निटी और मजाक वाला ड्रामा तो ठीक है, लेकिन कम से कम मैं तुम्हारी तरह एक औरतों वाला पर्स तो कैरी नहीं करता। और ये सुनने के बाद ग्रीन गोब्लिन की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और वो उससे कहता है, तो ये तुम हो, जिसके जवाब में पीटर उससे कहता है, द वन एंड ओनली।
और ये देखने के बाद ग्रीन गॉब्लिन पूरी तरह से अपना आपा खो बैठता है और वो उससे कहता है कि उसने ये सब कुछ ऑटो ऑक्टेवियस के लिए प्लान किया था, लेकिन स्पाइडरमैन के वहां पर आने से अब उसकी प्लानिंग पूरी तरह से फेल हो गई थी। और ये कहने के बाद वो वहां से भागने लगता है, लेकिन स्पाइडरमैन उससे कहता है कि वो इतनी आसानी से उसे जाने नहीं देगा। और ये कहने के बाद वो जंप करके उसकी तरफ आने लगता है। ग्रीन गॉब्लिन उससे कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जिस स्पाइडरमैन को वो जानता है वो चाहे कुछ भी हो जाए लोगों की मदद करता है, तो वो मारिया मार्कोनी को इस तरह उन बॉम्ब्स के बीच में कैसे छोड़ सकता था। और ये कहने के बाद वो अपने गॉब्लिन ब्लेड से स्पाइडरमैन पर अटैक करता है, लेकिन स्पाइडरमैन उस ब्लेड को हवा में ही पकड़कर एना मारिया की तरफ फेंक देता है। वो गॉब्लिन से कहता है कि ऑसबॉर्न बिल्कुल सही था, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उसने एक बहुत बड़ी गलती करी थी, क्योंकि उसने एना मारिया को काफी बुरी तरह से अंडर एस्टिमेट किया था और उसे ये चीज पता नहीं थी कि वो अपना ध्यान खुद रख सकती थी। और उस ब्लेड को देखने के बाद मारिया मार्कोनी जैसे तैसे उसके पास पहुंचकर अपनी रस्सियों को काटने लगती है। इधर स्पाइडरमैन गॉब्लिन के पास पहुंचकर उससे लड़ना शुरू कर देता है। गॉब्लिन उससे कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? मैंने कई बार तुम्हें पहले भी हराया है। लेकिन स्पाइडरमैन उससे कहता है, हो सकता है कि तुमने स्पाइडरमैन को हराया हो, और अगर तुमने हराया भी है तो ये चीज याद रखो कि मैंने भी तुम्हें कई बार हराया है। और ये कहने के बाद स्पाइडरमैन अपने दोनों हाथों से गॉब्लिन के हाथों को तोड़ देता है और अपने गॉब्लिन एंटीडोट को निकाल कर वो उसे लगाने ही वाला था कि तभी अचानक ग्रीन गॉब्लिन उसे झटका मार के उस सीरम को उसके हाथ से गिरा देता है। और ये देखने के बाद पीटर उसके मास्क को पकड़कर उसे उतार देता है, जिसके पीछे एक ऐसा चेहरा था जिसे पीटर पार्कर ने अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन वो शख्स उससे कहता है कि वो नॉर्मन ऑसबॉर्न था, और क्योंकि पूरी दुनिया उसका चेहरा पहचानती थी तो उसने प्लास्टिक सर्जरी के जरिए अपने चेहरे को चेंज कर लिया था। वो पीटर का गला पकड़कर उसे दबाने लगता है और उससे कहता है कि एल्केमैक्स दरअसल में उसी की कंपनी है, और ऑस्कॉर्प को डिस्ट्रॉय करने के बाद वो उसी के नाम पर दूसरी कंपनी को नहीं खोल सकता था, और एक नए चेहरे के साथ उसने एक नई कंपनी को खोलने का फैसला किया था। और ऑसबॉर्न की बात सुनकर पीटर उससे कहता है कि उसके प्लान को देखकर तो ऐसा लगता था कि वो एक बहुत बड़ा जीनियस हो, लेकिन उसकी हरकतों को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था। और ये सुनने के बाद नॉर्मन ऑसबॉर्न उससे कहता है कि इसका क्या मतलब था, लेकिन पीटर उससे कहता है कि अगर ऑसबॉर्न इतना ही ज्यादा स्मार्ट था तो वो अपने चेहरे पे चलने वाली मकड़ियों को क्यों नहीं देख सकता था। और तब नॉर्मन ऑसबॉर्न को पता चलता है कि उसके चेहरे पर कई सारे मिनी स्पाइडर बॉट्स चल रहे थे, और इतना ही नहीं वो छोटे छोटे स्पाइडर बॉट्स उसकी बॉडी में एंटी गॉब्लिन सीरम को इंजेक्ट भी कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक उसके पीछे से एक आवाज आती है और पीटर पलट कर देखता है कि गॉब्लिन के बॉम्ब्स अब फटने ही वाले थे, और मारिया मार्कोनी अपनी रस्सियों को खोलकर उसकी तरफ कूद रही थी। और ये देखने के बाद पीटर पार्कर उसे बचाने के लिए वहां से कूद पड़ता है, लेकिन इससे पहले कि वो वहां तक पहुंच पाता गॉब्लिन के बॉम्ब्स अचानक ही ब्लास्ट हो जाते हैं। पीटर अपने मन में ही ये सोचता है कि चाहे कुछ भी हो जाए उसने ऑक्टेवियस से प्रॉमिस किया था कि वो मारिया मार्कोनी को किसी भी कीमत पर बचा के रहेगा, और इसी के साथ वो अपने वेब्स शूट करता है और नीचे गिरती हुई मारिया मार्कोनी को पकड़ लेता है। लेकिन वहीं पर मौजूद गॉब्लिन भी अपने ग्लाइडर से गिरने लगता है, और ये देखकर स्पाइडरमैन उसकी तरफ कूदकर उसे भी पकड़ लेता है। ऑसबॉर्न उससे कहता है कि उसे ये चीज समझ में नहीं आई कि वो अपने ग्लाइडर से क्यों गिरा, लेकिन पीटर उससे कहता है, मैं बताता हूँ, क्योंकि तुम्हारी गॉब्लिन स्ट्रेंथ अब जा चुकी है, और मैंने तुम्हें बचाया क्यों, क्योंकि मैं स्पाइडरमैन हूँ और मेरे रहते यहाँ पर कोई नहीं मरेगा, तुम भी नहीं। और ये सब कुछ हो जाने के बाद स्पाइडरमैन अपने साथ नॉर्मन ऑसबॉर्न को लेकर वहां पर आ पहुंचता है, लेकिन तभी अचानक वहीं पर खड़ी हुई लिज एलन, जो दरअसल में नॉर्मन ऑसबॉर्न के बेटे हैरी ऑसबॉर्न की पत्नी थी, वो अपने पास मौजूद एक गैजेट का यूज करती है और स्पाइडरमैन के सारे सेंसेस जैम हो जाते हैं, और इसी मौके का फायदा उठाकर नॉर्मन ऑसबॉर्न वहां से भाग निकलता है। मिगवेल ओहारा लिज एलन को पकड़कर उससे कहता है कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन लिज उससे कहती है कि उसे देखकर वो काफी ज्यादा घबरा गई थी और इसी वजह से हड़बड़ाहट में उसे पता नहीं चला कि उसने क्या किया। लेकिन पीटर वहां पर आकर उससे कहता है कि लिज को घबराने की जरूरत नहीं है और वो समझ सकता है कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन वो इस बात को बहुत अच्छे से जानता था कि इन सारी चीजों के पीछे लिज एलन की कोई ना कोई चाल है और इसी वजह से उसे उस पर नजर रखनी होगी।
और वहाँ से नीचे गॉब्लिन अंडरग्राउंड में नॉर्मन ऑस्बॉर्न एक बार फिर से आजाद हो चुका था और वो अपने मन में ही सोचता है कि इतने सालों तक वो गॉब्लिन सीरम की वजह से कभी भी स्पाइडरमैन का सही से मुकाबला नहीं कर पाया, लेकिन अब उसके शरीर में गॉब्लिन सीरम का इफेक्ट ना होने की वजह से अब वो काफी सही तरीके से चीजों को देख सकता था और कुछ ही समय के बाद वो एक बार फिर से एक नए चेहरे और एक नए प्लान के साथ वापस आएगा। लेकिन एक बात की गारंटी है कि अगली बार स्पाइडरमैन का सामना एक ऐसे ऑस्बॉर्न से होगा जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा। इधर ये सब कुछ हो जाने के बाद पीटर आंट में से मिलने जाता है और उन्हें देखते ही वो उनके गले लग जाता है। पीटर उनसे कहता है कि पिछले कुछ महीनों में उसने उनके साथ जो भी किया हो और उनसे जो भी कहा हो वो उसके लिए माफी चाहता है, लेकिन अब वो उनसे प्रॉमिस करता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि अब उसने ये चीज डिसाइड कर ली थी कि वो स्पाइडरमैन के लिए और काम नहीं करेगा। और पीटर की इस बात को सुनकर आंट में काफी खुश हो जाती हैं और वो उसके गले लग जाती हैं। लेकिन तब उसकी मुलाकात मैरी जेन से होती है। वो मैरी जेन को देखते ही उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये सब कुछ करने वाला दरअसल में ऑटो ऑक्टेवियस था और पिछले कई महीनों से वो पीटर की बॉडी में रह रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात को खत्म कर पाता, मैरी जेन उससे कहती है कि वो पीटर की बात पे पूरा भरोसा करती है क्योंकि इस तरह की चीजें उसके साथ होती रहती थी। लेकिन अब उसे पीटर की लाइफ में और कोई इंटरेस्ट नहीं था और उसने अपने लिए एक नई लाइफ को बनाने का फैसला किया था और इसी वजह से अब कुछ समय के लिए वो पीटर से दूर रहना चाहती थी। और ये कहने के बाद मैरी जेन वहां से निकल जाती है। लेकिन पीटर पार्कर इस बात को जानता था कि उसके लिए चीजें यहाँ पर खत्म नहीं होती हैं क्योंकि एक परेशानी के जाने के बाद उसकी लाइफ में किसी दूसरी परेशानी का आना बिल्कुल आम बात थी और इसी वजह से वो हर परेशानी के लिए इस बार तैयार रहना चाहता था क्योंकि वो सुपीरियर नहीं बल्कि अमेजिंग स्पाइडरमैन था। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए। और अगर इस यूनिवर्स में आप लोग नए हैं तो कॉमिकवर्स को सब्सक्राइब करके इस चैनल का और इस यूनिवर्स का पार्ट बनिए। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं जिसकी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं। और इसी के साथ हम सभी लोगों ने सुपीरियर स्पाइडरमैन जैसी एक बहुत ही अमेजिंग सीरीज को खत्म कर लिया है और अब बारी है इसके बाद आने वाली स्पाइडर वर्स की, जिसका पहला एपिसोड मैं कल सुबह अपलोड कर दूंगा। तब तक आप सभी लोग मुझे कमेंट्स में ये चीज़ बताइए कि आप सभी को सुपीरियर स्पाइडरमैन कैसी लगी। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।